and I really miss her a lot. Or आई नो कि आज के वीडियो का टाइटल देख के आप सब यही सोच रहे होंगे कि भाई साहब आज के वीडियो में हमें एक सैड स्टोरी एक लव स्टोरी सुनने को मिलेगी, आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली यार अगर आप सोच रहे हैं कि आज की वीडियो में किसी हर के बारे में बात करूंगा तो यार बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो में गाइस मैं किसी भी होमोसेपियन या फिर ह्यूमन बींग के बारे में बात नहीं करूंगा। आज की वीडियो में गाइस मैं सिर्फ एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगा एंड आई रियली मिस हर अ लॉट। एंड अगर आप वीडियो को यहीं पर एंड करने के बारे में सोच रहे हैं तो यार आप वीडियो को एंड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बड़ा अगर से कि यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रहे हो, क्योंकि ये लगभग 3 या 4 मिनट की वीडियो होगी और यार 3 या 4 मिनट में ऐसा कुछ आप खास तो कर लोगे नहीं, तो यार 3 या 4 मिनट की वीडियो इसको एंजॉय करो और एक मेरी कहानी सुन लो। ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए। अगर मैं मोबाइल की वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात कर लूँ, पीसी के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात कर लूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने फाइनल कट प्रो जितना बढ़िया सॉफ्टवेयर अभी तक कोई भी नहीं देखा। तो यार अब आप पूछोगे फाइनल कट प्रो में ऐसा क्या है जो कि बाकी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मुझे नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो नंबर 1 क्विकनेस ऑफ एडिटिंग। अगर आपने iMovie पहले यूज़ किया है तो आपके लिए फाइनल कट प्रो बहुत ही ज़्यादा इजी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा। और गाइस फाइनल कट प्रो और iMovie दोनों में आपको रेंडरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिलती है। तो अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके लिए फाइनल कट प्रो और iMovie बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। नंबर 2 पॉइंट है कि आपको फाइनल कट प्रो में बहुत सारे इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, टाइटल स्टाइल्स, बहुत सारे साउंड्स देखने को मिलते हैं जो कि इसको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बना देती हैं। और साथ में गाइस बहुत ही इजी टू यूज़ है। अगर आप इसको बिना सीखे भी चलाना स्टार्ट कर देते हैं तो आप बहुत जल्दी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माई ऑब्जर्वेशन गाइज। मैंने फाइनल कट प्रो को आई थिंक सो लगभग 3 या 4 महीने यूज़ किया एंड गाइज वो 3 या 4 महीने गाइज मुझे एडिटिंग करने में जो मज़ा आता था गाइज वो आई थिंक सो मुझे आज तक नहीं आता एडिटिंग करने में मज़ा। अब गाइज आई एम करंटली यूजिंग फिल्मोरा मेनली, बट आई एम थिंकिंग सो कि मुझे अडोब प्रीमियर प्रो पर अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि अडोब प्रीमियर प्रो भी फाइनल कट प्रो के लेवल का एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यार होप सो कि मैं अडोब प्रीमियर प्रो को बहुत जल्दी सीख लूँ और मैं अपनी फ्यूचर वीडियोस अडोब प्रीमियर प्रो से बहुत जल्दी एडिट करनी स्टार्ट कर दूँ। एंड आई थिंक सो कि आपको भी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एंड आई नो गाइज कि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही बोरिंग ब्लॉग था। अगर आपको ये ब्लॉग बोरिंग लगा, जो कि मुझे पता है आपको जरूर लगा होगा, तो डिसलाइक कर देना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आई विल ट्राई कि आपको ऐसे ब्लॉग्स फ्यूचर में ना देखने को मिले। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो यार बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक यू आपको कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। तो भी मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। आई होप कि आपको कल का ब्लॉग बढ़िया लगेगा इससे। तो फिर कल मिलते हैं।